सरकार का यंग ध्यान दे रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चला रहे हैं कि अपना एजेंडा चला रहे हिंदू मुस्लिम का। उनका एजेंडा यहाँ बिहार में सफल होने वाला नहीं है। यहाँ दलित पिछड़ा गरीब लोग हैं, चाहे सवर्ण जाति के भी जो गरीब लोग हैं, मुस्लिम हैं, सबकी एकता यहाँ बनी हुई है। उस एकता को तोड़ने की कोशिश करेंगे खुद टूट जाएंगे। मांझी जी भी ने ट्वीट करके बताया है कि इस तरह से चल रहा है, ठीक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ तो सरकार को ना सोचना चाहिए। सरकार कहती है कि हम कानून व्यवस्था और सुशासन की सरकार है, तो सरकार का ये अंग इस तरह से लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर कार्रवाई नहीं करती, इसका मतलब कि सरकार का भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से समर्थन है। ये लोग देश के लिए, राज के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए नहीं, बल्कि अपने वोट की राजनीति करते हैं। बीजेपी के कई नेताओं का मानना है कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। उनको नहीं पता है इसी मदरसा के लगभग 3000 से ज्यादा लोग देश की आजादी में कुर्बान हुए थे, पैरों पर उनके लाश लटका दिए गए थे। इनके लोग तो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज भी 42 साल तक नहीं लगाए। ये लोग तो माफीनामा मांगे थे यरवदा जेल में और काला पानी में। ये लोग को कौन मुंह है कि कौन मुंह से राष्ट्र की बात करते हैं। और इस देश के मुसलमानों को इतिहास रहा है देश में कुर्बान होने का, समाज के लिए कुर्बान होने का, और ये पढ़ाते हैं तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। इनके लोग क्या पढ़ाते हैं आरएसएस में, जरा ये भी तो जानने का काम कीजिए। ये क्या पढ़ाते हैं बच्चे को? मन से ही हिंदू मुस्लिम की जो उनको 20 भरते हैं, इस पर भी रोक लगना चाहिए। सरदार पटेल ने जब गृह मंत्री थे तो आरएसएस पर रोक लगाने का काम किया था। हम फिर चाहेंगे कि ये सरदार पटेल के प्रति अगर जरा सा भी इनके प्रति सम्मान है, उनके प्रति उनकी आस्था है, सरदार पटेल के उस विचार के आधार पर आरएसएस पर पाबंद लगाना चाहिए। गोतनी का झगड़ा है, अब गोतनी के झगड़ा में हम लोग क्या कर सकते हैं? अब एक गोतनी एक दूसरी गोतनी को कोस रहा है, जो गांव में नहीं होता है घरेलू गोतनी गोतनी का झगड़ा, वही इन लोग का है। अब गोतनी के झगड़ा में हम क्यों पड़ने जाएं? आप लोग उम्मीद जगी है जो ये सरकार जो है, हमको कोई नहीं, हम जनता के लिए काम करते हैं, हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। जनता ने हमको समर्थन दिया था, हम सबसे बड़ी पार्टी बने थे, लेकिन साजिश के तहत इन लोगों ने सरकार बना लिया। हम लोगों ने इसको स्वीकार किया कि साजिश के तहत सरकार बनी है, तीसरे नंबर के आदमी हो गई प्रथम नंबर का। तो ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये लोग आपस में समझ लें।